नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक अन्य मार्ग में शराब माफियाओं के होने की बात कही और बताया कि नीतीश कुमार संग बैठ करके लोग जो है वो शराब के जाम गटकते हैं। और वही अब लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार को घेरते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट देखिए, लालू प्रसाद यादव का ये ट्विटर अकाउंट है जिस पर उन्होंने कुछ देर पहले ही ट्वीट किया और लिखा, जो व्यक्ति सोच विचार आचरण व्यवहार से आरएसएस की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरवीकार हो, जिसका प्रेरणा स्रोत आरएसएस जैसा विघटनकारी संगठन हो, उसके राज में बिहार सांप्रदायिक दंगों में अव्वल क्यों नहीं रहेगा। बिहार बगुले और कौवे का अंतर समझता है। आपको बता दें कि इससे पहले जो कुछ दिन पहले बिहार में रिपोर्ट जारी हुई थी और उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा दंगे दिखाए गए थे। द वायर की रिपोर्ट देखिए, द वायर की रिपोर्ट है ये, और इसमें लिखा है कि इसी साल एक टीवी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके कार्यकाल में सूबे में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड NSRB के ताज़ा आंकड़े न केवल उनके दावे को खारिज कर रहे हैं बल्कि आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि इस मामले में बिहार अव्वल है। लगभग एक साल की देरी से जारी किए गए NRCB के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में देश भर में दंगों की कुल संख्या 58,729 वारदातें दर्ज की गई। इनमें से 11,698 दंगे बिहार में ही हुए। इस बार NRCB की रिपोर्ट सांप्रदायिक धार्मिक दंगों के लिए अलग कॉलम बनाया गया है और इन्हें सामान्य दंगों से अलग रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017 में देश में कुल 723 सांप्रदायिक धार्मिक दंगे हुए। इनमें से केवल बिहार में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की 163 वारदातें, जो देश में किसी भी सूबे से ज़्यादा है। इन दंगों से 214 लोग कुल प्रभावित हुए हैं। तो ये ताज़ा जो रिपोर्ट है ये सचमुच नीतीश कुमार के पोल खोलते हुए दिखता है। जब नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि मैं क्राइम से और कम्युनलिज्म से, इन चीज़ों से समझौता नहीं करता हूं, मगर NRCB की रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से बिहार जो है वो दंगों के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो दंगे हैं वो नीतीश कुमार के राज में ही हुए। और इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जो व्यक्ति सोच विचार आचरण व्यवहार से आरएसएस की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरवीकार हो, जिसका प्रेरणा स्रोत आरएसएस जैसा विघटनकारी संगठन हो, उसके राज में बिहार सांप्रदायिक दंगों में अव्वल क्यों नहीं रहेगा। बिहार बगुले और कौवे का अंतर जानता है, यानी अंतर समझता है कि बिहार में बगुला और कौवे का अंतर समझता है, ऐसा लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। और नीतीश कुमार जो लगातार अपनी बातें कहते हैं कि क्राइम से और कम्युनिज्म से समझौता नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा रिपोर्ट में नहीं दिखता है। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।